तो एजाज भाई, आप एक बहुत बड़ी पिक्चर कर रहे हो गुल मकई, और जिसमें आप एक किरदार निभा रहे हो वो है पाकिस्तानी ऑफिसर का। तो वैसे ही लोग आपको पाकिस्तानी जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि आप पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हो, पाकिस्तानी हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोल करते करते लोग सही में आपको पाकिस्तान भेज दे। देखो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक माँ के दो बेटे हैं, ये सिर्फ करवट बदल के लेटे हैं। और सोल्जर सोल्जर होता है, सोल्जर हीरो होता है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो। और मैं एक एक्टर हूँ, और गुल मकई में अमजद खान डायरेक्टर ने मुझे, अगर ये प्रोग्निस जो लड़की है रिम, जो मलाला पे बायोपिक बन रही है, उसमें अगर एक सॉलिड किरदार जिसने उन लोगों को बचाया था, वो हीरो था, अगर वो किरदार मुझे मिला है तो मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। और मुझे लगता नहीं कि मुझे हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान भेज पाएगा। इसका मैं आपको बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूँ, ये चीज़ बड़ी बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन आज मैं इसका सबूत, ताकि मीडिया मुझसे ये सवाल पूछना ही बंद कर दे कि देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? महेश। तुम जब मर जाओगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? नहीं, जलाया जाएगा। तुम्हें जलाया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी राख को क्या किया जाएगा? गंगा में बहा जाएगा। गंगा सीधा पाकिस्तान जाती है, गंगा सीधा चीन जाती है। लेकिन जब मैं मरूंगा ना, तो मेरी बॉडी को ना यहाँ पे दफनाया जाएगा हिंदुस्तान की मिट्टी में, और वो यहीं रह जाएगा। तो मैं भी और मेरी बॉडी दोनों हिंदुस्तान की मिट्टी में रहेगी। तो हम मुसलमान मरने के बाद भी हिंदुस्तान में ही दफन होंगे। ये बात महेश कैसे समझाऊं कि मैं वो आदमी हूं जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए गाली दी थी। मैंने उनसे माफी भी मांगी, मुझे लगा मैं गलत था, मैं सॉरी भी बोला, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत गंदी चीज है। ये लोग हमें, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाके नवाज शरीफ के गले मिलके उसके साथ खाना खाता है, तो हम पाकिस्तानी भाई क्यों नहीं रख सकते? हम क्यों पाकिस्तानियों के साथ बातचीत नहीं कर सकते? तो ये मुद्दा है मेरी जान। गुल मकई एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो मलाला यूसुफ जई एक बहुत ही होनहार और बहुत ही ब्रेव लड़की की कहानी है, और उसमें एक बहुत ही स्ट्रांग ऑफिसर था जिसने तालिबानियों के खिलाफ जंग लड़ी, वो रोल मुझे मिला है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये रोल कर रहा हूँ। ये रोल करते वक्त आपको थोड़ा सा भी एक डर नहीं लगा कि मैं पाकिस्तानी का किरदार निभा रहा हूँ, कहीं मेरे फैंस नाराज ना हो जाए? वैसे ही यार मैं कहूँगा, सलमान खान पाकिस्तान नहीं गए थे लड़की को छोड़ने के लिए। किरदार किरदार होता है यार, पाकिस्तानी ऑफिसर्स, वो सलमान है, ऐसे कोई बात नहीं यार। मतलब सलमान भाई ने रोल किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने रोल किया है पाकिस्तानी, तो उसमें पाकिस्तानी सिंगर या गाने गाते हैं, हमारे हिंदुस्तानी उन पे नाचते हैं, नहीं होता? हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच होती है तो क्रिकेट भी खेला जाता है, पाकिस्तान से यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी आती है, इकोनॉमी चलती है, सब कुछ होता है। मुझे पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है, आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया, आई लव चीन, आई लव एवरीथिंग। जब तक मेरे हिंदुस्तान को कोई गाली नहीं देता है, जब तक मेरे हिंदुस्तान को पॉलिटिशियन छोड़ के कोई नहीं करता, आई लव एवरीथिंग। I grow up and I want my fans also grow up.